एक जंगल में मिंकू नाम का भुलक्कड़ खरगोश अपनी पत्नी चिंकी खरगोश के साथ रहता था। एक सुबह वो अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी चिंकी ने उसे उठाना शुरू किया। ए जी सुनते हो, जल्दी से उठो ना, थोड़ी इमरजेंसी है। ओहो, सुबह सुबह उठा दिया। भगवान किसी को भी तुम्हारी जैसी बहन ना दे जो अपने भाई को ठीक से सोने भी नहीं देती। हे भगवान, मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी हूँ। भगवान तुम जैसा पति किसी को ना दे जो भूलने पर आए तो अपनी पत्नी को ही अपनी बहन समझ बैठे। अरे अरे माफ करना, वैसे बात क्या है? आओ पहले बाहर चलो, देखते हैं क्या बात है। वो दोनों अपने घर से निकले तो पाया कि तीनू चिड़िया दर्द से कराह रही है। अरे क्या हुआ तीनू चिड़िया, तुमको कोई परेशानी है क्या? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, शायद मैं अंडे देने वाली हूँ। तुम जल्दी से इनको बुलाकर ले आओ, ये अपने दोस्त सोनू कबूतर के घर पिछले दो दिनों से रुके हुए हैं। ठीक है, जाता हूँ। मिंकू खरगोश वहाँ से निकला और काफी देर दौड़ने के बाद सोनू कबूतर के पास पहुँचा, जहाँ पर रिंकू चिड़ा मौजूद था। अरे ओ रिंकू चिड़े, जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अब मिंकू खरगोश भूल गया कि वो कहने क्या आया था और उसने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी टीनू चिड़िया का सुबह ही देहांत हो गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या, मेरी टीनू का देहांत हो गया? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं तो उसको सही सलामत छोड़कर आया था, उसकी मौत कैसे हो गई? अरे उसकी लाश के पास बैठकर आराम से रो लेना, फिलहाल मेरे साथ तो चलो। अब मिंकू खरगोश के साथ रिंकू चिड़ा और कबूतर भी टीनू चिड़िया के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने टीनू को एक अंडे के साथ बैठे पाया। मेरी प्यारी टीनू चिड़िया, मरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही देख रही हो। अब मैं तुम्हारे बगैर इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटूंगा? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, मरे मेरे दुश्मन। लेकिन इस मिंकू खरगोश ने तो बताया कि तुम्हारी मौत हो गई है। हाय राम, इनकी भूलने की आदत। मैंने तो इनसे कहा था टीनू चिड़िया को अंडा होने वाला है, रिंकू भैया को बुला लाओ, लेकिन इन्होंने तुमसे सीधा ये कह दिया कि टीनू मर गई है। मिंकू खरगोश, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबूतर और रिंकू चिड़ा मिलकर मिंकू खरगोश को मारने लगे। अरे 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 छोड़ दो मुझे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से, जी चाहता है कि आपको छोड़कर चली जाऊं। अरे अरे ये क्या कर रही हो, भला कोई माँ भी अपने बच्चे से तंग आकर उसको छोड़कर जाती है? ये सुनकर चिंकी खरगोश का गुस्सा फूट पड़ा। बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी माँ नहीं बीवी हूँ तुम्हारी। पास ही के जंगल में गोल्डी शेर अपने वजीर सियार के साथ बातचीत कर रहा था। मेरा भाई शेर सिंह कई दिन पहले ग्रीनलैंड जंगल में अपनी धाक जमाने गया था, अब तक वो वहाँ का राजा भी बन चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। सामने से आवाज आई तो उसने देखा शेर सिंह बहुत ही बुरी हालत में उसके पास आ रहा है। अरे अरे क्या हुआ तुमको, तुम तो जंगल जीतने गए थे, ये क्या हुलिया लेकर वापस आए हो? भैया क्या बताऊं, उनके जंगल में एक मोटा पपीता है और एक जादुई खरगोश। क्या कहा, जादुई खरगोश? हाँ है तो खरगोश, लेकिन उसमें जादू है, वो भी गजब का। मैंने उस पर हमला बोला तो वो बेहोश हो गया, सभी ये देखकर चौंक गए। फिर जब मैं वहाँ के जानवरों को डराने लगा तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने जादू के जरिए मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी ये हालत हो गई। तुमने तो शेरों की नाक कटा दी, अब एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ कि किस तरह जंगल पर कब्जा किया जाता है। देखो कैसे पूरा जंगल मेरी दहाड़ से थर थर कांपने लगता है। अब गोल्डी शेर अपने वजीर सियार के साथ वहाँ से निकला। और ब्लू लैंड जंगल पहुंचा। उसकी दहाड़ने की आवाज से सभी जानवर डर गए। तुम सभी ध्यान से सुनो,
अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। चुपचाप मुझे अपना राजा घोषित कर दो, वरना एक एक को खत्म कर दूंगा। जंगल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी जानवर उससे मिन्नतें करने लगे कि वो जंगल को छोड़कर चला जाए, लेकिन इन सब से गोल्डी शेर की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। दोनों कबूतर अब मिंकू खरगोश के पास पहुंचा। गजब हो गया, हमारे जंगल पर गोल्डी शेर ने हमला कर दिया है, हमें उसको ही अपने जंगल का राजा मानना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर मेरे होते हुए वो इस जंगल पर राज करने लगा तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। क्या हो गया आपको, अब कौन सा दौरा पड़ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक खरगोश होकर शेर को ललकारती हो? अरे बापरे, आप शेर नहीं खरगोश हैं। बेवकूफ खरगोश, मैं एक शेर हूँ और अब मैं अपने जंगल को बचाने जा रहा हूँ। खरगोश भूल गया कि वो खरगोश है और खुद को शेर समझकर गोल्डी शेर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको इस तरह खड़ा देखकर गोल्डी के साथ सभी जानवर भी हैरान रह गए। अरे वो बाहर से आए हुए शेर, मैं इस जंगल का राजा हूँ, चल जल्दी से यहाँ से निकल जा वरना तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। इतने बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक पिद्दी सा खरगोश मेरे सामने खड़ा है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। सरदार, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। गोल्डी शेर ने आगे बढ़कर खरगोश को ऐसा पंजा मारा कि खरगोश दूर जाकर पड़ा और बेहोश हो गया। अब तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर शेर सिंह भी आ पहुँचा और बेहोश पड़े खरगोश को देखकर वो चिल्ला उठा। अरे बाप रे, शायद ये वही खरगोश है जिसने मुझे ग्रीनलैंड जंगल से मारकर भगाया था। नहीं, ये तो मेरे एक ही पंजे में बेहोश हो गया, देखो। अरे यही गलती मैंने की थी, ये बेहोश नहीं हुआ बल्कि नाटक कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ये खड़ा हो जाएगा और अपने जादू के जरिए ये हम तीनों की अच्छी सी आरती उतार कर यहाँ से भगा देगा। सरदार, मुझे इसकी बात सही लग रही है, भला बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक खरगोश क्यों इतनी हिम्मत दिखाकर आपके सामने आया? बात तो सही है, एक खरगोश भला इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी मिंकू खरगोश खड़ा हो गया और शेरों को अजीब निगाहों से देखने लगा। हम जा रहे हैं हम, हमें कुछ मत करना। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से भाग निकले और सभी जानवर मिंकू खरगोश के सामने आकर खुशी से उछलने कूदने लगे। मिंकू खरगोश, अगर आज तुम नहीं होते तो वो शेर हमारे जंगल का राजा बन जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं खरगोश होकर भला कैसे किसी शेर को भगा सकता हूँ? आप भूल गए थे कि आप एक खरगोश हो और अपने आप को शेर समझकर उस शेर से भिड़ गए थे जिसकी वजह से वो हमारे जंगल को छोड़कर भाग गया। क्या ऐसा हुआ था? अब मिंकू खरगोश भी सभी जानवरों के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगा और जंगल का माहौल खुशनुमा हो गया।